अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए शामली के जवान गौतम पवार का शव उनके पैतृक कस्बा एलएम में पहुंचा। उनके कस्बे में शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के शव यात्रा में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने शोकाकुल परिवार का हाल जाना। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शहीद के परिवार को 20 लाख रुपए आर्थिक मदद किए जाने की भी घोषणा की। शव यात्रा में जनपद के प्रशासनिक अमले जमले के अलावा हजारों की संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। बहुत ही दुखद घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहीद के परिवार के साथ पूरी संवेदना और सांत्वना दी है। और उत्तर प्रदेश, हालांकि शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शहीद के परिवारजनों के लिए 20 लाख रुपए की आर्थिक बात कही गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी कहना है कि ऐसे भारत माता के सच्चे सपूत लाडलों पर हम सबको गर्व।